पानीपत सिविल अस्पताल के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि इलाज मिलना तो दूर, मरीजों से ढंग से बात भी नहीं की जा रही। ये आरोप हमारा नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड के लिए आए लोगों का है, जो अल्ट्रासाउंड के लिए पिछले 10 दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। मरीजों ने बताया कि उन्हें रोज टाइम देकर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ही धमका कर वापस भेज देता है। साथ ही मरीजों ने अपने जानकारों को पहले बुलाकर अल्ट्रासाउंड करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का टाइम 7 बजे का है, लेकिन डॉक्टर 9 बजे पहुंचता है, जिसके चलते वो घंटों लाइनों में लगे रहते हैं और पूरा दिन लाइनों में लगने के बाद खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। ये है जी, मैं सुबह से 7:30 बजे आया था, डॉक्टर का टाइम 8 बजे का, पर डॉक्टर जो है 8:30-9 बजे के बीच में आया है। उसके बाद में यहाँ पर्ची जमा हुई, दूसरा नंबर मेरा था। उसके बाद में इन्होंने जो है पर्ची सारे इतने सारे इकट्ठे होने वाले, वो पर्ची भी दबा दिए, पता नहीं क्या करा, अब तक नंबर नहीं आ लिया। 20 जने अंदर चले गए हैं पर हमारा नंबर नहीं आया। पूछते कि नंबर कब आएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने ठीक से बात नहीं की। उसने कहा पहले पीछे होकर बात करो, आपका जब नंबर आएगा आपको आवाज़ लगा दी जाएगी। पता नहीं कब आवाज़ लगाएंगे, 3 घंटे हो चुके हैं तब तक, और किसी को तमीज़ नहीं है इससे बात करने की। इससे कैसे बात करनी है, मिसबिहेव बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार के हिसाब से आए, कि परिवार वाले साथ में, तो उनकी फिक्र हो रही है। मेरी मैडम को 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड बताया उन्होंने, 8वें महीने में होना था। 9th मंथ के बाद भी मुझे फिक्र थी, तभी तो मैं इसको लेके यहाँ आया हूँ। मेरा तो इनका इलाज, इनकी तरफ से सारा इलाज चल रहा है। साल भर पहली बार आए? नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बार बार चक्कर मार रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। आज भी यही हो रहा है और टाइम लगेगा उसको। मैं कब तक भूखा प्यासे बैठा के रखे हुए, कुछ करवाएंगा। और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से हमें कहते हैं कभी बुधवार आना, कभी मंगलवार आना, हमारा कोई यहाँ मतलब ना अल्ट्रासाउंड का वो है, हम प्रेगनेंट है। आप किस लिए आए हैं? प्रेगनेंट है तो अल्ट्रासाउंड कराना है। तो क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है अभी, लगातार आ रहे हैं यहाँ? भी नहीं, यहाँ से हर बार वापस कर दिया जाता है कि बाहर जाओ, अगले मंगलवार आ जाना, बुधवार आ जाना। कब से आ रहे हैं अभी यहाँ पे? मुझे कम से कम 10 दिन हो गए। आप 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। 50 किलोमीटर सिक्योरिटी 50 किलोमीटर है हमारा यहाँ से घर। कहाँ से आते हैं हम? आते हैं समारखा से, आगे गांव है राजखेड़ा, जमुना के पास। डॉक्टर साहब ने टाइम दिया 6:30 बजे आ जाना, और फिर आते हैं तो 8-9 बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं, फिर जो इनके बॉडी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो लेके पंपलेट ये जो भी डॉक्टर की पर्ची है वो फेंक के मारते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। मगर यहाँ कोई काम नहीं, ये नहीं इस तरह की बातें करते, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जनता सामने, कर रहे हैं बार बार। और आप दे दो वापस चले गए हैं पेशेंट बेचारे दुखी हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहे? डॉक्टर टाइम से नहीं, जो गेट पे खड़े वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट में इतनी कमियाँ निकाल देते, फेंक के मारते हैं पेपर पेशेंट के, गरीब आदमियों के, ये कमी। और ये 2-4 के अल्ट्रासाउंड होते हैं, बाकी वापस से जाते हैं दुखी होकर। ऐसा ही हो रहा है सर, ऐसा ही होता है, सिफारिश का ही है। पर फोन करते जब जाके नंबर आता है, ठीक है ना, वो लड़ने को दौड़ते ही हैं, खाने को दौड़ते ही हैं लोग। मैं अपनी मिसेज का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आया, कल भी आया था, आज भी आया, चल हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनको रोकना पड़ता है। और जो है गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड होते हैं, या किसी की इमरजेंसी हो उसका अल्ट्रासाउंड होता है। क्योंकि क्यों है? हाँ, मशीन फिलहाल अल्ट्रासाउंड हो भी रहे हैं, उसके बावजूद भी सर कुछ समस्या कम नहीं उसको लेकर के सर कुछ? अब भीड़ तो रोज़ नए पेशेंट भी आते हैं, पुरानों का बैकलॉग भी होता है, तो भीड़ तो मेंटेन रहेगी। भीड़ तो अब जैसे कम होने की उम्मीद भी है डॉक्टर साहब? भीड़ नहीं कम हो सकती, भीड़ तो सरकारी, रोज़ नए पेशेंट आते हैं, पुराने भी रहते हैं। डॉक्टर भी जैसे कल की कोर्ट डेट है डॉक्टर की, तो उसके अलावा दूसरा डॉक्टर नहीं होता, तो अल्ट्रासाउंड मशीन बंद ही रहती है। हाँ, तो डॉक्टर तो एक ही है हमारे पास, ऐसे कोई दूसरा डॉक्टर की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा लिखा गया हो? लिखते रहते हैं वो, चंडीगढ़ लेटर लिखते रहते हैं। एक सब मशीन एक ही है, कोई दूसरी की भी आवश्यकता आपको लगता है कि दूसरी मशीन की आवश्यकता? वो तो डिमांड भेजी हुई है हमने, एक मशीन की, वो इन प्रोसेस है।
अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।